वेलकम स्टूडेंट्स हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मुतलब हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टॉपिक पढ़ा था और अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो ठीक है हमारे पास प्रॉब्लम क्या है हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्सीड रिपॉर सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसने स्पीड गेन की है टेन वे तो पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है तो अब हमने क्या फाइंड करना है हमने फाइंड ये करना है कि फाइंड इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ठीक है हमने उसकी एनर्जी फाइंड करनी है जहरी बात है उसने स्पीड गेन की है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आई होगी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस बात है किसी भी चीज की मोशन से रिलेटेड एनर्जी है तो चले हम वो फाइंड करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या मौजूद है हमारे पास डाटा में मौजूद है कि हमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है उसने स्पीड कितनी गेन की है यानी कि वी हम लिख लेते हैं वो है हमारे पास टेन टू पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है तो हमने फाइन क्या करना है हमने फाइन करनी है उसकी एनर्जी तो चले हम अपने सोलूशन की तरफ तो बढ़ते हैं ठीक है थीके? अब देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्र ठीक है अब जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉन गिवन है इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो हमें मालूम है कि कितना होता है ठीक है तो उसकी हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं वन बाई टू इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है हमारे पास वो होता है नाइन पॉइंट वन इन टू टेन रिश टू पार माइनस थर्टी वन किलोग्राम ठीक है किलोग्राम मल्टीप्लाई वेलोसिटी जो उसने स्पीड गेन की है वो है टेन विस्ट पार्ट सिक्स मीटर पर सेकंड ठीक है इसका हो जाएगा स्क्वायर तो हमारे पास आगे ये क्या आएगा वन बाय टू ठीक है वन बाय टू इन टू नाइन पॉइंट वन रेस टू दाइनस थर्टी वन किलोग्राम ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास टेन विस्ट पार्ट ट्वेल्व स्क्वेयर होके टेन विस्ट पार्ट ट्वेल्व हो जाएगा और साथ हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर ठीक है उस इन यूनिट्स का भी स्क्वायर होगा चूंकि ठीक है तो हम आप आगे देखते हैं कि हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू क्या आती है हमारे पास वैल्यू आती है फोर पॉइंट फाइव फाइव ठीक है फोर पॉइंट फाइव फाइव इन टू टेन रेस्टू माइनस नाइनटीन किलोग्राम मीटर स्क्वायर से ठीक है और ये हम जानते हैं कि ये मिलके क्या बनाते हैं है uh, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमने जो एनर्जी फाइंड करनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करनी है ठीक है तो अब इस करते हैं हम आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे के जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल होता है वो इक्वल होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इन टू टेन वेस्ट टू पार माइनस नाइनटीन जाउल के ठीक है मैं इंटरचेंज कर देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ताकि हमें सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी हो ठीक है कि जब हम जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें अब ये इसके इक्वल हो गया वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तो वन जाउल किसके इक्वल हो जाएगा वन जाउल इक्वल हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन वेस्टू पार माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के और कितने जाउल्स को हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने कन्वर्ट करना है फोर पॉइंट फाइव फाइव टेन रिज माइनस नाइनटीन जाउल को तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे वन डिवाइडेड बाय पॉइंट सिक्स इन टू टेन रिज टू माइनस नाइनटीन मल्टीप्लाइड बाय फोर पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन रिज माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि मेरे पास इक्वल आ जाता है कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास ये इक्वल आ रहा है 2.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है यानी कि जो मेरे पास एनर्जी है जो कि 4.55 पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन विश्व माइनस नाइनटीन जाउल की इक्वल आई थी वो इक्वल है 2.84 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ठीक है तो स्टूडेंट से हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया एनर्जी का जो हमने फाइंड करनी थी एक इलेक्ट्रॉन की जिसने एक खास स्पीड गेन की थी ठीक है उसकी एनर्जी हमारे पास ये आई है तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा